गाइस, मैं हूं समीर और आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको दो थ्योरम समझाऊंगा। एक तो 11.11 और दूसरा 11.12 होगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से समझना और मैं भी अपने तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको प्री बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस थ्योरम से, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 11.11, इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। तो अपने इस वीडियो के एंड होने के बाद मैं दूसरा एक वीडियो डालूँगा, उसमें मैं उस क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में आया था ना, वो मैं इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में, आपके बुक में वो बहुत लंबे तरीके से सॉल्व है, मैं उसको इजी वे में समझा करके सॉल्व करके डाल दूँगा, जो कि इसी थ्योरम से वो सॉल्व होगा, इस थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्या पता वो एग्ज़ाम में दोबारा आ जाए, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी अपने इस वीडियो के अंदर दो थ्योरम को देखेंगे हम लोग, एक तो 11.11 और दूसरा 11.12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप समझना अच्छे से। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के फटाफट से समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। और आपके जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला फार्मूला AC², इसको आपको जो याद रखने का तरीका है ना, वो भी मैं बता दूंगा। इसको आप ऐसे मत याद रखना, AC² = AB² + BC² + 2BC × BD, इस तरह से मत याद रखना। इस तरह से अगर आप याद रखोगे ना, तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। जैसे मैं बता दूंगा ना, वैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा दिया है, दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। तो आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें भी ईजिली समझ में आ जाए, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को डाल दिया है। तो आप यहाँ से दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना, जिस भी आप मीडियम के हों। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल के अंदर एक भी एंगल अगर 90 से ज़्यादा होता है ना, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है बी पे, तो इसलिए इस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा गया। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, बी सी साइड को बढ़ाया गया और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, AC² = AB² + BC² + 2BC × BD। कहने का मतलब, ऑप्ट्यूस एंगल आपको जो दिख रहा है ना, इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि AC² इसके सामने वाला साइड कौन है, AC, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AB² AB मतलब इसके साइड को पकड़ के, मतलब ऑप्ट्यूस एंगल को पकड़ के रखने वाली साइड, ऑप्ट्यूस एंगल को पकड़ के रखने वाली साइड कौन है, AB और BC, इनके स्क्वायर के सम के प्लस में 2 times साइड BC, मतलब ऑप्ट्यूस एंगल से C तक की डिस्टेंस और ऑप्ट्यूस एंगल से D तक का डिस्टेंस, ऑप्ट्यूस एंगल जो है ना यहाँ पे, उसके ऑप्ट्यूस एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे, तो बी से डी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, तो बी से सी तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, BC, और बी से डी तक के दूरी को क्या बोलेंगे, BD बोलेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर सारे को ऐड कर देना है इन दोनों से, समझ में आ गया, एक बार वापस मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए,
करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए एंगल जो बी है ना, बी बी पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर को इधर रखना है, ठीक है, यानी ए सी के स्क्वायर को आपको इधर रखना है, इक्वल इक्वल टू लगाना है। उसके बाद इस एंगल को पकड़ने वाली साइड कौन है, ए बी है और दूसरी साइड बी सी है, इनके स्क्वायर को आपको जोड़ देना है, इनके स्क्वायर को करके जोड़ देना है, ठीक है ना, और प्लस प्लस में टू के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑब्ट्यूस एंगल से सी पॉइंट की दूरी और ऑब्ट्यूस एंगल से डी पॉइंट की दूरी। सी कौन सा पॉइंट है, बेस पे बना हुआ, इस ऑब्ट्यूस एंगल के ट्राइंगल के बेस पे बना हुआ पॉइंट सी है, और दूसरा पॉइंट क्या है, डी, इन तक इन दोनों की दूरी, ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे याद रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो एग्ज़ाम में आप जाते हो तो हो सके एग्ज़ाम में वो चेंज कर दे, यहाँ पे अभी बी हो सके, जैसे यहाँ पे अभी आपके बी रखा है ना, यहाँ पे सी रख दे। देखिए एग्ज़ाम में आप जाते हो तो हो सके आपको यहाँ पे बी ना लेकर के यहाँ पे सी बना दे, और यहाँ बी को यहाँ रख दे, ए को यहाँ रख दे, तब आप अगर ऐसे याद करके जाओगे तो फिर तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए सी पहले यहाँ था, अब ए सी कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। तो आपको जो जिस तरीके से मैंने बताया ना याद रखने के लिए, उस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो देखो आप, अगर आपका ट्रायंगल वो चेंज भी कर देता है, ट्रायंगल को एग्ज़ाम में चेंज भी कर देता है तब भी आप निकाल लोगे। कैसे, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डी है, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर उसने सी कर दिया, यहाँ पे बी है, तो आप इसका फटाफट से क्या लिखोगे, ऑप्ट्यूस एंगल इस बार कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, इसके सामने में साइड कौन है, ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ऑप्ट्यूस एंगल को पकड़ने वाली साइड कौन है इस बार, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस और बी सी का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और आपको अभी इसमें क्या बोला गया है, दूसरा प्लस में प्लस करना है किसके साथ, प्लस करना है टू टाइम्स ऑप्ट्यूस एंगल से दोनों बेस पॉइंट, तो ऑप्ट्यूस एंगल सी पे है, सी से बेस पॉइंट कौन है, बी, तो सी से बी की दूरी यानी बी सी, सी से बी की दूरी बी सी हो गया, और सी से डी की दूरी यानी सी डी, सी डी आ जाएगा। तो देखिए आप अगर ऐसे याद करके जाते हो तो आपको वहाँ पर ट्राइंगल किसी प्रकार से भी बना के दे देगा, अगर ए पे बोलेगा ऑप्ट्यूस एंगल तब भी आपसे निकल जाएगा, बी पे बोलेगा तब भी आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्लीज़ जैसे मैंने बताया है ना वैसे आप याद करके जाना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे आपको याद करना है, कैसे करना है कि ऑप्ट्यूस एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर, ऑप्ट्यूस एंगल जो है बी पे उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होगा ऑप्ट्यूस एंगल को पकड़ के रखने वाले साइड के स्क्वायर के सम के। तो ऑप्ट्यूस एंगल को पकड़ के रखने वाली साइड कौन है, ए बी और बी सी, इनका स्क्वायर कीजिए फिर इनका सम कर दीजिए, सम मतलब जोड़ दीजिए, और प्लस में प्लस लगाइए फिर से और दो टाइम्स दो गुना कर दीजिए किससे, ऑप्ट्यूस एंगल से आधार बिंदुओं की दूरी, आधार पे बनने वाले बिंदु कौन है, सी, और दूसरा बिंदु कौन है, डी, बेस पे बनने वाले पॉइंट, इन दोनों की दूरी ऑप्ट्यूस एंगल पॉइंट, ऑप्ट्यूस एंगल पॉइंट कौन है, बी, बी से सी की दूरी और बी से डी की दूरी। ऐसे अगर आप याद करके जाते हो ना तो आपको ध्यान रहेगा। देखिए मैं बार बार मैंने इसलिए इतना लंबा टाइम कर दिया इसको कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए अगर आपको लंबा लग रहा है तो सॉरी है, ठीक है ना, अगले स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मैंने हिंदी में डाल दिया है क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज पे आधारित परिणाम है, एक अधिक कोण त्रिभुज एबीसी। इसमें देखिए इस यहाँ पे इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस तरह से लिखा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वही ये क्वेश्चन सेम है, बस और लगा दिया ना मैंने, इस तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है ना, तो आप देख लेना इसको भी पढ़ लेना। अभी देखिए हिंदी में भी मैंने समझा दिया है, एक अधिक कोण त्रिभुज है एबीसी, बी पे अधिक कोण बन रहा है तथा ए डी बढ़ी हुई भुजा है, बढ़ी हुई मतलब ए डी को बढ़ाया गया है ना भुजा को, आपने देखा था ना ए डी को, ए डी जो है बढ़ी हुई भुजा, बढ़ी हुई भुजा कौन है, सी बी, सी बी भुजा को बढ़ाया गया था, उस पे ए डी क्या किया गया था,
एडी लंब डाला गया था, तो सिद्ध करके लाना है वही अभी आपने देखा था ना, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बीसी इनटू क्या बीडी, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए देखिए अगले स्लाइड में इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कैसे प्रूफ करना है, बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व करके डाल दिया है। यही ट्रायंगल था ना आपके इस आपके आपको यही ट्रायंगल दिखाया गया था अभी क्वेश्चन में। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और सी बी साइड को बढ़ाया गया है कहाँ तक, डी तक, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है ए डी, ए डी परपेंडिकुलर डाला गया है। तो हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी। बोधायन थ्योरम लगाएंगे एक एक करके, पहले इस वाले ट्राइंगल के लिए लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल के लिए, फिर पूरे ट्राइंगल के लिए लगाएंगे, पूरे ट्राइंगल के लिए, और अपने आप ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो पहले मैंने छोटे वाले ट्राइंगल के लिए लगाया, ए डी बी के लिए लगाया। जब आप बोधायन थ्योरम लगाओगे ए डी बी के लिए, बोधायन थ्योरम मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से समझ सकते हो। तो बोधायन थ्योरम जब लगाओगे आप, ए डी का स्क्वायर लिखोगे प्लस बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो वही लगाया मैंने, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी क्या है परपेंडिकुलर और बी डी क्या है बेस, इनका स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर, ए बी क्या है हाइपोटेनस इसके स्क्वायर के, इसको फर्स्ट मान लो आप। सेकेंड इक्वेशन आपका कैसे बनेगा जब आप पूरा ट्राइंगल लोगे ए डी सी, तो ए डी का स्क्वायर ए डी परपेंडिकुलर है और इस बार बेस क्या हो जाएगा डी सी, डी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के, लेकिन लेकिन यहाँ पर लिखा ना बट, डी सी जो है डी सी को आप क्या ले सकते हो, डी सी को आप बी डी, तो डी सी को आप बी डी प्लस बी सी लिख सकते हो ना, डी सी को आप बी डी प्लस बी सी लिख सकते हो। तो डी सी की जगह पे आपको क्या रख देना है, बी डी प्लस बी सी का, देखिए आप डी सी यहाँ से यहाँ तक है, उसको आप डी बी यानी बी डी प्लस बी सी लिखा जा सकता है ना, बी सी प्लस बी डी ये बन जाएगा डी सी। तो आपको यहाँ पे यही करना है, तो डी सी की जगह पे आपको रख देना है ये बी डी प्लस बी सी। आप जब इसका वो लगाओगे आइडेंटिटीज लगाओगे इस पर, तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, और इस पर आपको आइडेंटिटीज लगा देना है। जब आप इसके ऊपर आइडेंटिटीज लगाओगे तो बी डी का स्क्वायर क्या आएगा, बी डी का स्क्वायर देखिए बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर आएगा ना। फिर उसके बाद ए बी का स्क्वायर, अब आपको क्या लिखना है इसको, ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर फर्स्ट थ्योरम से आप देख सकते हो, ठीक है ना, एक मिनट ये आ गया आपका। अब ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर फर्स्ट थ्योरम में किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर के इक्वल है ना। तो आप यहाँ पे ये रख सकते हो ए डी, देखिए इसके जगह पे ए डी स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर के जगह पे आप क्या रख सकते हो, ए बी स्क्वायर रख सकते हो ना, फर्स्ट थ्योरम में आपने प्रूव कर रखा है। तो यहाँ ए बी स्क्वायर रख दो, फिर बी सी स्क्वायर को नीचे ले आओ, बी सी स्क्वायर को नीचे ले आओ, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को फिर नीचे ले आओ यहाँ पे, और फिर ये टू बी डी बी सी वैसा का वैसा लिख दो, तो ये किसकी इक्वल हो गया ए सी स्क्वायर के, इस तरह से ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी में मैंने सोल्यूशन डाल दिया है, आप देख लेना। चलो देखिए
हिंदी में मैंने सोल्यूशन यहाँ पर डाल दिया है कि एबीसी में वही है, सब कुछ वैसे ही डाला, देखिए सब कुछ वैसे ही है। फर्स्ट से आप वैसे ही समझ लेना, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, उपपत्ति बोधायन प्रमेय द्वारा कर देंगे, ठीक है। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, लेकिन बट यहाँ पर लिख दिया मैंने, सॉरी लेकिन लिखना है आपको हिंदी में, लेकिन डी सी जो है बी डी प्लस बी सी के इक्वल है, तो उसके जगह पे आप रख दो, फिर सर्वसमिका लगा दो इसके लिए, इसके ऊपर, तो ए बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना सर्वसमिका, ये लगा दो। फिर आपको जब सर्वसमिका लगा दोगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर है, तो वहाँ पे आप रख देना, फिर आपका ये इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो है थ्योरम वो है 11.12। इसमें आपको ये बोला गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है, उसमें बोला क्या गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा, यानी बी पर इस बार एंगल 90 डिग्री से छोटा बनेगा, ठीक है। तब हमें प्रूफ करके लाना है ए सी का स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस, वहाँ पे प्लस था ना, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस टू बी सी, माइनस टू बी सी इंटू बी डी, ये लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है कैसे करना है आपको, गिवन है, गिवन मतलब दिया हुआ है, ए बी सी पहले से दे रखा ना, एक ट्रायंगल है और एंगल बी पे क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा है, देखिए 90 से छोटा है, तब आपको क्या करना है, एक ए डी और ए डी परपेंडिकुलर भी है, बी सी पर क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ए बी सी में एंगल बी एक न्यून कोण है, तो सिद्ध करके लाना है आपको ए सी का स्क्वायर, इसको भी आपको वैसे ही पढ़ना है, देखिए न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा न्यून कोण को पकड़ के रखने वाली साइड, ठीक है ना, न्यून कोण के सामने वाले साइड यानी एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड कौन है, एसी है, उसका स्क्वायर को इक्वल करना है एक्यूट एंगल को पकड़ के रखने वाली साइड कौन है, एक तो ए बी है और दूसरी बी सी है, तो उसके स्क्वायर के सम से उसको स्क्वायर को जोड़ देना है, ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर को जोड़ देना है, और माइनस इस बार माइनस लगेगा, वहाँ पे एक्यूट था सॉरी ऑप्ट्यूज था तो प्लस लगा था, यहाँ एक्यूट है तो माइनस लगेगा, अधिक कोण था तो प्लस हो गया था, या न्यून कोण है, न्यून मत 90 से छोटा है तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस टू बी सी इंटू बी डी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। हमें प्रूफ में बोधायन थ्योरम लगाएंगे, इसमें भी एक एक करके, पहले हम इस वाले के लिए लगाएंगे छोटे वाले, पहले इधर वाले के लिए ए बी डी के लिए, फिर हम ट्रायंगल लेंगे वो दूसरा, वो ए डी सी लेंगे, तो इस तरह से दोनों के लिए लगाएंगे और दो थ्योरम मिलेगा, दो इक्वेशन हमें मिल जाएगा, दो इक्वेशन मिल जाएगा, उन दोनों इक्वेशन से सिद्ध हो जाएगा ये अपने आप। तो पहले आप बोधायन थ्योरम लगाइए फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए, ए बी डी के लिए, तो देखिएगा आप ए बी डी में ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी क्या है, कर्ण है ना, तो ए बी डी त्रिभुज में लिख रखा ना मैंने, हिंदी में भी लिख रखा बगल में, ए बी डी त्रिभुज में आपको दिख रहा है ए बी क्या है, कर्ण है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट मान लीजिए आप इसको। फिर इसी प्रकार से आपको ट्राइंगल लेना है ए डी सी, इसके अंदर आप देखोगे ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी के स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के, इसको आपको सेकेंड इक्वेशन मानना है, और इस बार आप डी सी को क्या लिख सकते हो, इस बार आप डी सी को क्या लिखोगे, डी सी देखिए डी सी ये है बी सी माइनस बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक में से घटा दीजिए बी डी को, बी डी को डी सी में से बी डी को घटा दीजिए,
तो हो जाएगा ना, क्या मतलब डी सी इज इक्वल्स टू बी डी यानी पूरा सॉरी बी सी बी सी बी सी माइनस बी डी। बी सी में से अगर आप बी सी में से बी डी को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, डी सी बचेगा ना। बी सी में से आप अगर बी डी को घटा देते हो तो क्या बचेगा, डी सी बचेगा। तो डी सी की जगह पे लिख दीजिए और ये इसका इसके बाद सर्वसमिका लगा दीजिए। आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये लगा दीजिए। ए के जगह पे बी सी है और बी के जगह पे बी डी है, लगा दीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। फिर आपको अरेंज कर लेना है ए डी के स्क्वायर के साथ बी डी के स्क्वायर को रख लेना है, ए डी के स्क्वायर के साथ बी डी के स्क्वायर को रख लेना है। तो आपको ये फर्स्ट में दिख रहा होगा ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर की जगह पे क्या आ सकता है, ए बी का, ए बी का स्क्वायर आ सकता है ना। तो ए बी के स्क्वायर को डाल दीजिए, ए बी के स्क्वायर को डाल दीजिए और बी सी का स्क्वायर वैसा का वैसा आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर वैसा का वैसा आ जाएगा और ये सब भी वैसा का वैसा आ जाएगा और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा आपको वीडियो, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी वीडियो डालने का। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्यों नहीं समझ में आया इसका कारण आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आने वाला जो भी वीडियो है ना वो पहले वाले वीडियो से बेस्ट बने। लेकिन आप अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं और भी कोशिश अच्छा करूँगा बेस्ट बनाने का, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।